years ago. Hey, what is up people, मेरा नाम है रिकी, you're watching Clashing Rikki, welcome back to our channel guys. तो hopefully यार इस वाले वीडियो को भी आप लाइक करना, हर बार की तरह एम करते हैं पूरे 10 लाइक के लिए. और इस वाले वीडियो में हम खेलेंगे जैम ग्रैब और इस बार हम जीनी यूज़ करेंगे. जैसे मैंने आपको कहा था कि जीनी का भी गेम प्ले आएगा जल्दी और मोर्टिस का भी मैंने गेम प्ले लिया आया हूँ. और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई कार्ड में मैं आपको दे दूँगा वीडियो, आप देख लेना. अभी फ़िलहाल हम जीनी से खेलते हैं. तो अभी यहाँ से जीनी से मैंने सुपर मिस कर दी थी और यार मैंने काफ़ी सुपर मिस करी, थोड़ी इसके लिए मेरे को प्रैक्टिस सही होगी जीनी से काफ़ी मैच, तब थोड़े बहुत तो मैचेस खेलने होंगे अगर आपको जीनी का सुपर यूज़ करना सीखना होगा तो. थोड़ा हार्ड है जीनी का सुपर यूज़ करना. और अगर आप आपका मतलब अगर जो अपडेट नहीं आया था उससे पहले तो और हार्ड था जीनी का यूज़ करना जो सुपर था, लेकिन अभी थोड़ा इजी हो गया क्योंकि यार वो थोड़ा चौड़ा सा हो गया है इसलिए हम थोड़ा इजी यूज़ कर सकते हैं उसको. लेकिन यार तब भी मेरे से तो काफ़ी मुश्किल है यार, मेरे लिए देखो यार 2 बार मिस हो चुका है. तो अभी यहाँ से पाइपर ने मार दिया है और मोर्टिस सारे जेम लेके भाग गया. और यहाँ से अभी हमने क्रो को ही मार दिया और मोर्टिस ऑलमोस्ट जाने वाला है, बच गया मोर्टिस, बच गया. अभी यहाँ से बू ने मेरे पे हिट्स मारे, अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और क्रो भी अब आ गया तो अभी हम ज़्यादा पुश नहीं कर सकते. अरे तो यहाँ पे मेरे को मार दिया है और पैम शायद मार देगी मोर्टिस को. हाँ पैम ने मोर्टिस को मार दिया यहाँ पे और हम पे जैम आ गए. तो फिलहाल जल्दी से पैम को प्रोटेक्ट करना हमें, क्योंकि उसके पास सारे जैम उसी पे है. तो अभी फटाक से उसे प्रोटेक्ट करने चलते हैं. और मैंने अभी टैप फायर दिया था तो वो मिस हो गया, मतलब अगर जो पास में होता उसी के पास जाता टैप फायर. तो अभी तो मेरे पास कोई ब्रॉलर नहीं था, मतलब कोई ब्रॉलर पास में नहीं था इसलिए वो मिस हो गए. तो अभी मैंने यहाँ से सुपर मारा और उसे मतलब अपने पास खींच लिया. और अभी दोबारा सुपर मारते अपने और देखो यार यहाँ पे बड़ा मज़ा आया था, इस सुपर मारने बड़ा मज़ा आया और मोर्टिस गया पूरा यहाँ पे और हम पे सारे जैम हम पे हो गए हैं. बस हमें अब वेट करना है 13 सेकेंड्स का, 11 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और ही हम जीत गए. अब तो ईजिली जीत गए यार, एक बार जैम आ जाते हैं तो मतलब होल्ड करना तो इजी होता है, इतना भी हार्ड नहीं है. और 2-1 और ये मैच हम जीत गए. तो अभी सेकंड गेम प्ले देखते हैं. तो गाइस यार अगर आप वो जीनी का सुपर यूज़ करना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यार पहले फ्रेंडली बैटल्स खेलो, वहाँ पे जीनी का सुपर ट्राई करो कैसे यूज़ करना है. क्योंकि यार जीनी का सुपर काफ़ी हार्ड होता है, मतलब जब आपका जीनी खुलेगा तो आप एक बार ट्राई करना उसकी सुपर मारने का, तो आपको भी लगेगा यार काफ़ी हार्ड है. क्योंकि यार एक्चुअली काफ़ी हार्ड होता है जीनी का सुपर मारना. और अभी यहाँ से प्लेयर फाउंडिंग हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है प्लेयर फाउंडिंग में. यार ब्रॉल स्टार्स सही मैच मेकिंग थोड़ा सा इम्प्रूव करो यार, जल्दी जल्दी प्लेयर्स ढूँढो यार, ये आगे बढ़ क्यों नहीं रहे. चलो फाइनली हो गया, अरे यहाँ पे लगता है ग्लिच हो गया होगा कुछ, बट कोई बात नहीं. अभी हमारे पास पैम आई है फिर से और ये पैम इसमें इस वाले मैप में भी अच्छी है. जैम ग्रैब में मैं बताऊँ तो पैम काफ़ी अच्छी है और इस वाले मैप में जिनी भी काफ़ी अच्छा है. अभी हमने यहाँ से पैम को मार दिया, पैम ने पैम को मारा और जिनी को भी हमने मार दिया है. और यहाँ से पाइपर आ गई है और पाइपर को फॉल बैक कराया हमने, पीछे पीछे चली गई पाइपर. और अभी मैं यहाँ से अटैक देता हूँ पैम पे और पैम ने हमारे बो को मार दिया, जैम जैम लेके चली गई वो. और यहाँ से अभी जीनी थोड़ा आगे पुश कर रहा है तो मैं पीछे फॉल बैक कर लेता हूँ, मेरी टीम नहीं है अभी तो अकेले एकदम से रश करने जाऊँगा तो मार देंगे मेरे को. तो फिर यार टैप फायर दिया मैंने और मिस हो गया. तो अभी मैं एक सजेशन दूंगा आपको, टिप दूंगा कि जो है आपका मतलब जीनी का जो सुपर है उसके लिए यार आप कभी भी वो टैप फायर मत देना. यूज़ करना है तो आप ड्रैग करके यूज़ करना, टैप फायर से यार मिस होने के चांसेस जो होते हैं. और वैसे अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़े कम चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में यूज़ कर रहे हो तो यार दोनों में चांसेस है कि आपके मिस होंगे ज़रूर. और अभी यहाँ से थोड़ा पीछे कर लेते हैं, अगर सारे जैम मेरे पे ही हैं इसलिए मैं अभी फाइट भी नहीं ले सकता. देखो यार यहाँ से जीनी ने मेरे को खींच लिया और यहाँ से पैम ने मतलब और पैम ने मार दिया है जीनी को और जैम भी मिल गए, मतलब सारे जैम गए नहीं. और यहाँ से पीछे फेल बैक कर रहा है थोड़ा. अभी हम पैम ने अभी एक साथ रश करेंगे आगे को साइड और जीनी को थोड़ा डैमेज दिया मैंने. और यहाँ से बो के बम में गिरा और यहाँ से गए, बो के बम काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए. देखो यार फिर मिस हो गया, ये तो जस्ट था यार, काफ़ी मिस हुआ है मेरे से सुपर. तो ये यार क्या करना चाह रहा था भाई जिन्हें ने पता नहीं अपने सुपर क्यों वेस्ट किया यहाँ पे. और यहाँ से भी मैं जैम ले लेता हूँ और हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है.
अब बस पीछे रहना है, हमें ज़्यादा अटैक नहीं करना है। और अगर देखो यार आपकी टीम रैंडम टीम और वो अटैक करने लग जाए, तो आपको बस क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है जिसपे सबसे ज़्यादा जैम हो। ये मैं आपको टिप दूंगा। और वैसे तो आप भाई बिल्कुल भी मत करो पुश, जैसा अगर पास जैम हो गए तो। ये सॉरी गाइस, ये बीच में थोड़ा होम बटन दबा देता है इसलिए मैंने वो हल्का सा पार्ट काट दिया और ये वाला मैच जीत गए। तो जिनी का गेम प्ले, जिनी से खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को यार। और अभी शोडाउन में मैंने ट्राई नहीं किया जिनी, उसको भी जल्दी ट्राई करूँगा और उसका भी आपको गेम प्ले डालेंगे। अभी जिनी से यार अच्छी खासी प्लस हो रही है मेरी, तो अगला गेम प्ले भी देख लेते हैं। तो अगला गेम प्ले थ्री प्लेयर फाउंडिंग यार। तो फाउंड में काफ़ी देरी लगती है यार इसमें ब्रॉल स्टार्स में, जल्दी से फाउंड हो भाई जल्दी। और ये स्टार्ट हो गया गेम। तो अभी टीम देख लेते हैं हमारी टीम में कौन कौन आया इस बार। तारा और हमारा भी साथ बू आया है। और अगर आपने यार देखा नहीं, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे का यार काफ़ी अच्छे यार पावर पॉइंट्स मिले थे मेरे को, 150 पावर पॉइंट्स मिले थे तारा के। तो यार काफ़ी बढ़िया है, ब्रॉल स्टार्स ने कुछ तो अच्छा काम करा, कुछ तो नहीं बहुत कुछ अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो यार रीमॉडल कर दो कुरो को जल्दी से और बफ दो यार उसे। तो यहाँ से सुपर मार दिया अभी अपना फ्रैंक ने, लेकिन हम बच गए, रेंज से बाहर चले गए। और यहाँ गया फ्रैंक, गया यहाँ से। और अभी मैं इसे थोड़ा डैमेज देता हूँ और यहाँ से मेरी टीम मर गई है, तो मेरे को फाइट लेने की जरूरत नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे चले जाता हूँ मैं जब तक टीम नहीं आएगी, तो अभी थोड़ा सा हम फाइट ले सकते हैं क्योंकि हमारी टीम आ गई है। तारा ने काफ़ी अच्छा सुपर यूज़ किया और सारे जैम ले लिए हमने उनसे और पूरी टीम को ही मार दिया हमने। तो अभी जब तक टीम आएगी हम जैम कलेक्ट कर लेते हैं जो भी जैम निकलेगा उससे। और अभी यहाँ से फ्रेंड दोबारा यार बो के बम में गया, कितनी बार भाई जाएगा उसके बम के पास। अरे भाई मैं अभी चले गया भाई, लेकिन बच गया मैं, ऑलमोस्ट 30 हेल्थ में बचा। और अभी 9 जैम हो गए, 10 जैम हो गए, अभी हम इस पीछे चले जाते हैं, फाइट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। और फिर से उसका एक्टिवेट हो गया बम और फिर से फ्रैंक बो के बम से गया यार, बहुत ही अनलक्की है लगता है उसके लिए बम। और अभी तारा के पास सारे जैम हो गए, तो तारा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम। मेरे पास ये हैं पर तारा की हेल्थ मेरे से लो थी इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना था हमें। और यहाँ से मैंने ऐसे खींच लिया उसको और यहाँ पे बस फ्रैंक बचा के लिए, और फ्रैंक को तो हम मार देंगे इसीलिए। और ये बचना भाई बच गया, मैं ऑलमोस्ट बच गया, हल्के से मैं उसके रेंज से बाहर हो गया और काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं यहीं वेट करता हूँ 14 सेकेंड तक, 13 सेकेंड, 11, 10, 9, जल्दी से भाई मैच हम जीत जाएंगे वाला ही। तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले बने वाला अभी। और आपको वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये तीसरा गेम प्ले भी हम जीत गए हैं, विक्ट्री 6+। तो अभी मैं और गेम प्ले लाने वाला हूँ जिनी और मॉर्टिस के। तो यार होपफुली आपको पसंद आया होगा गेम। तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। और अभी फ़िलहाल एक मिनट, हाँ फिलहाल अभी हम देखते हैं और आगे कैसी वीडियोस लानी है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। दिस इज़ क्लैशिंग रिक्की, साइन आउट गाइज, बाय बाय।